आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी लोग धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश के मथुरा से लेकर गुजरात के द्वारका तक मंदिरों में विशेष पूजा की जा रही है। भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के कार्यक्रम मंगला आरती से शुरू हो चुके हैं। भगवान कृष्ण द्वापर युग में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष में अष्टमी की रात प्रकट हुए थे। इस साल द्वापर युग की तरह ही नक्षत्रों का योग बन रहा है। श्री कृष्ण रात में अवतारित हुए थे, इसी वजह से जन्माष्टमी रात में मनाने की परंपरा है। श्री कृष्ण की लीला स्थान मथुरा वृंदावन समेत देश भर के प्रमुख कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। मथुरा में जन्मभूमि मंदिर का गर्भगृह कारागार की तरह सजाया गया है। यहाँ जन्म के बाद रात 12 बजे भगवान का पंचामृत अभिषेक होगा। वहीं गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के पट शाम 5 बजे तक के लिए बंद कर दिए गए थे और ये शाम 5 बजे दोबारा खोल दिए गए हैं। जन्माष्टमी पर श्रद्धालु द्वारा द्वारकाधीश के दर्शन रात 2:30 पर कर सकेंगे। इस मौके पर कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं भी दी। हमारी शास्त्रीय मान्यता के अनुसार 5251 वर्ष पूर्व श्री हरि भगवान श्री विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में किसी स्थान पर लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ने माँ देवकी और वासुदेव जी के सुपुत्र के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होकर के धर्म सत्य और न्याय की स्थापना का कार्य त्रेता द्वापर युग में पूर्ण करके हम सबके सामने श्रीमद् भगवद गीता के अपने उन शाश्वत मंत्रों के माध्यम से एक नई संजीवनी दी है। यहां पर दर्शनार्थ आए हैं, मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेशवासियों को श्री 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 कृष्ण जन्माष्टमी की हृदय से बधाई देता हूं और प्रभु से यही कामना करता हूं, सुख और समृद्धि उनकी कृपा से हमारे प्रदेश पर हमारे देश पर बरसता रहे और जिस धर्म के पथ का अनुसरण करने, जिस सत्य और न्याय की स्थापना का संदेश उन्होंने आज से 5000 वर्ष पूर्व दिया था, हम उस मार्ग का अनुसरण करते हुए लोक मंगल के और राष्ट्र मंगल के इस अभियान के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य कर सके, इसके लिए आप सबके प्रति मैं हृदय से एक बार फिर से बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि आपको इतनी शक्ति दे कि आपका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन मंगलमय हो, शुभ हो। नमस्कार, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। संसार को मानवता, धर्म और ज्ञान की राह दिखाने वाले श्रीमद् भगवद गीता के उद्बोधक भगवान श्री कृष्ण का जीवन हमें मन, वचन, कर्म से सील और सदाचार के मार्ग पर चलने का संदेश देता है। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है। एक बार पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की अनेकों शुभकामनाएं। पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई, मंगल कामना। मंगल तिथियों के आधारित पर ये जन्माष्टमी हम सबके लिए जीवन में मंगल ही मंगल करे। जाने अनजाने हमारे मुंह से शुभकामना निकलती है, शुभकामनाएं सामान्य दिनों के लिए होती है, जो हमारे व्रत, पर्व, त्योहार ये मंगल तिथियों के आधार पर है।
खगोलीय घटनाओं से मंगल तिथियों का जो अनुकूलता बनती है उसमें ऐसी अद्वितीय घटना घटती है, जैसे आज रोहिणी नक्षत्र है और अष्टमी तिथि भाद्रपद की, ऐसे में 12 बजे भगवान का प्राकट्य, ये अलौकिक घटना 5100 साल पहले हुई। मेरी अपनी ओर से भगवान कृष्ण का पूरा जीवन हम सबके लिए अनुकरणीय है। जीवन में किसी से घबराना नहीं, सदैव धर्म मार्ग पर चलना, वीरता धारण करना, दयालुता रखना, गोपाल गाय का पालन करना, अपने जीवन में जो पाए वो बांटने की हिम्मत रखना। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार सबके प्रति मंगल कामना, बधाई।